हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। शुभ करता हूँ, सारे भाई बढ़िया होगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हम ये वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए। नेपाल राइड के बाद जो है मैं अब जो है फर्स्ट वीडियो लेके आया आप लोगों के लिए, वो भी लेके आया स्प्लेंडर की। अपने पास आई है, कहाँ से भैया? अपने पास आइए नागलोई से बाइक, और भाई हीरो स्प्लेंडर BS6 रहने वाली है, वही खुशी वाला मॉडल रहने वाला है। बट जो हालत है भाई वो आपको मैं दिखाता हूँ, पहले इसकी हालत से रूबरू कराता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा इसमें सामान क्या क्या ऐड होने वाला है। और इसी वीडियो के अंदर जो ऐसी काया पलट होगी, हम जैसी बना देंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी आपने तो भाई मैं आपको बता दूं कि भाई मैं मॉडिफिकेशन वाली वीडियो लेके आता हूं, रिव्यूज लेके आता हूं बाइकों के, और साथ साथ हम लॉन्ग राइड भी करते हैं, कंप्यूटर बाइक से ऐसी चीज़ें जाते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। बात करें कुछ कंडीशन की, तो बाइक जो है पूरी की पूरी हमने डिसमेंटल कर रखी है। बट जब हमने बाइक डिसमेंटल करी तब हमें पता चला कि भाई बाइक में वाकई में काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो चुकी है। मतलब कि अगर मॉडल की बात करें उसके हिसाब से थोड़ी सी रफ ज़्यादा देखने को मिल रही गाड़ी जो है। अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ चीज़ें। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर देखी थी, जो बाइक आई थी अपने पास, तो ये देख सकते हैं जो फोर्क का जो ये हमारा जो होता है पेंट, वो ख़राब हो चुका है यहाँ पर थोड़ा सा, समझ रहे हो आप, ये है दिक्कत। और बाकी ये हेड है, हेड में देखो रस्टिंग आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। चेसिस में रस्टिंग आ चुकी है, इवन यहाँ पे गियर लीवर इसमें रस्टिंग आ चुकी है। अगर पीछे तरफ बढ़े तो यहाँ पे जो स्विंग आर्म है, तो स्विंग आर्म में आप देख सकते हैं पूरे पूरे रस्टिंग आ रखी है। मतलब शायद से पानी का यूज़ करते हो या पानी ख़राब है वहाँ का, भाई पानी ख़राब है, खारा वाला टाइप कुछ है, तो इस वजह से रस्टिंग ज़्यादा आ रही है। तो मेक श्योर भाई मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपके एरिया में पानी ज़्यादा आता है तो थोड़ा सा इसको ना अगर ऑयलिंग अगर होगे, WD-40 ऐसे प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो रस्टिंग नहीं लगती है, रस्टिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। और रस्टिंग लगने की वजह से क्या होता है कि आपका जो पार्ट है लोहे का वो गल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ल्यूब या फिर ऑयलिंग करके रखो, WD-40 ऐसे पार्ट्स जो सॉरी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं वो यूज़ कर सकते हो अपनी बाइकों में इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। बाकी टैंक देखो, ये होता है डिसएडवांटेज टैंक पैड ना लगवाने का, तो आप देख सकते हैं टैंक पैड नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जमा हुआ, और पानी जमा होने की वजह से पहले पेंट खराब हुआ, पेंट खराब होने के बाद यहाँ पे जंग स्टार्ट हो गया लगना, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप हालत कुछ ऐसी दिनों मिलेगी आपको। कहने को ये 2020 मॉडल है इसका अलॉय, ये पीछे का रीपेंट कराना उन्होंने भी, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो दोनों रिम है वो पेंट होने वाले हैं, इंजन छोड़ के बाकी सब चीज़ पेंट होने वाली है ना, इंजन भी पेंट होने वाला है, ठीक है। बाकी स्मोक टेप करा रही हो या ग्लॉसी ब्लैक? ग्लॉसी ब्लैक। तो पूरी गाड़ी जो है भाई ये कैनवस ब्लैक होने वाली है, मतलब कि आप ये लगा लो कंपनी से आजकल जो ब्लैक आ रही है वही मॉडल होने वाला है। तो फिलहाल जो है गौरव ने यहाँ पर जो है इसमें पावर वाला लगाया ना, हाँ, तो ये जो है भाई स्प्रे पेंट, आप इसके नाम पे मत जाना, इसे काम पे जाना। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई मैंने ये वाला जो है स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अपने एग्जॉस्ट में भाई इसे स्प्रे को मारा था, ये लगा लो इस एग्जॉस्ट से अभी तक हटा नहीं है, काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल प्रोडक्ट रहने वाला है। फिलहाल गौरव ने यहाँ पर मार दिया व्हील पर पेंट, आप जो है इसका झूला आप देख सकते हैं, झूले पे भी पेंट मार दिया है, बाकी फुटरेस्ट के जो एंगल होते हैं वहाँ पेंट मार दिया है। तो नीचे का जो पेंट वर्क है वो इसमें चल रहा है, ठीक है जी, जितनी भी टचिंग वचिंग होगी जो भी होगा वो हो जाएगा। फिलहाल इसके अंदर सामान क्या क्या लग रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बात करूँ टेल पैनल की, तो टेल पैनल इसका टूट गया था क्योंकि इसमें टेल प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ था। आप ये देखो जब इस बाइक की हालत ऐसी है तो टेल तो टूटनी है, तो टेल भी टूटी, तो टेल हमने नहीं डाल दी यहाँ पर, उस टेप टेल पर भाई जो है वो कर रहा है टेप। पैनल साइड का ठीक है, मरगार्ड ठीक है, वाइजर ठीक है, और टैंक भी ठीक है, बट वो गल रहा था, कोई बात नहीं। अब बढ़ते सामान की तरफ, सामान क्या क्या लग रहा है, पहले छोटी छोटी चीज़ दिखाया था आपको मैं। देखो भाई ये रल्ला है यहाँ पर हैजार्ड, जो कि इसके जो बल्ब होते हैं उसके अंदर पैटर्न जो नए नए आते हैं वो दिखाएगा, मतलब कि हैजार्ड की मदद से इसमें पैटर्न आएंगे खूब सारे। LED बल्ब रहने वाला है, 360 बल्ब रहने वाला है, आप देख सकते हैं LED कितने सारे इसमें पॉइंट देने में मिलेंगे आपको। तो चार बल्ब रह जाएंगे इंडिकेटर के। इस बल्ब की बात करें तो भाई ये हमारा टेल लाइट बल्ब रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया बल्ब है, इसमें मल्टी कलर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी रोशनी भी प्रोवाइड करता है। इसको जब लगाते हो तो भाई मेक श्योर आप जो है वाइट ढक्कन लगाएं, मतलब कि टेल लाइट कवर जो है व्हाइट लगाएं, तभी इसका मजा देखने को मिलेगा आपको। अगर बात करें इन छोटे छोटे बल्ब की, तो भाई ये जो है ये हमारे मीटर बल्ब रहने वाले हैं, इनका भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। और बाकी हॉर्न को बजाने के लिए बैटरी पे लोड कम पड़े तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर ये वाली कॉपर वाली जो है रिले यूज करते हैं, ये रिले बहुत ही अच्छी है, देख सकते हैं पूरा पूरा इसका मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो ओके रिपोर्ट रहने वाला है, मैं खुद ही वाली रिले यूज कर रहा हूँ, 50-60 रुपए की रिले भी आती है वो बेकार है। ये जो क्लैंप देखने को मिल रहे हैं ये हमारे फॉग लैंप के हैं, ठीक है जी। अगर बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्विचेस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे फॉग लैंप को ऑपरेट करने के लिए हो गया ऑन ऑफ बटन, ठीक है, और ये ऑन ऑफ बटन जो है मतलब ये हाई लो
ऑफ है और ये सिर्फ ऑन ऑफ है। तो ये चीज़ें जो है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम हैंड गार्ड भी लगा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, हैंड गार्ड में लाइट रहने वाली है, जैसे हैजार्ड वर्क करेगा सेम एज इट इज़ ये भी वर्क करने वाले हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे स्विच देखने में मिल रहे हैं। और अगर आगे बढ़े थोड़ा सा और, तो यहाँ पर फॉग लैंप देखने में मिल रही है हमारे को, जो कि HJG की रहने वाली दोस्तों, देख सकते हैं HJG, और ओइजर उल्लू लाइट रहने वाली है। ये फैन यूनिट नहीं है बट बहुत अच्छा है, हीट शील्ड है यहाँ पर। तो ओके की रिपोर्ट रहने वाला है इसका विजन, ठीक है जी, दो लगेंगे तो चार चांद निकल कर अपने आप आ जाएंगे। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे हीरो की हेडलाइट लग रही है, ये लगने के बाद तो बाइक का लुक अलग ही हो जाता है भाई साहब, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिट ही चेंज हो जाता है। अगर बात करें ग्रिपिंग की, तो यहाँ पर जो है ग्रिप देख सकते हैं आप, मेटल बॉडी में बहुत अच्छा ग्रिप मिल जाता है हमारे को, जो कि ब्लैक और ब्लू का टच मिलता है, काफ़ी बढ़िया, ठीक है जी। इसके ऊपर हमें मिल रहा है हमारे को ऑफ रोडिंग हैंडल बार, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी बाइक में, तो ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ में हमारे को टेल प्रोटेक्टर लगा हुआ है, दिखेगा यहाँ पर। तो टेल प्रोटेक्टर का फायदा यह है कि आप टेल के ऊपर बंदे बैठाओ या ना बैठाओ, टूटेगी नहीं वो, ठीक है। और साथ में भाई लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास ये है, इसमें लगने वाला ऑटोबर्ड का मिरर, ठीक है जी, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी बाइक में, ठीक है। तो ये सारा का सारा सामान जाने वाला है इस बाइक में, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन होती चली जाएंगी। फिलहाल बाइक की कंडीशन आपने देख ली है, तो फटाफट से जो है काम एंजॉय करो, फिर मिलते हैं आपसे आगे। फिलहाल अभी जो है हमने इसके व्हील पेंट कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, व्हील पेंट हो गया, इंजन पेंट हो गया, चेसी नीचे की पेंट हो गई, बेसिकली जितना मेटल वाला पार्ट है वो हमने जो है इसका पेंट कर दिया मैट फिनिश में। फिलहाल अगर बात करें वाइजर की, तो वाइजर इसमें पुराना वाला रहने वाला है, बट हमने यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कर दिया है। हेडलाइट यहाँ पे लगा दी है कंप्लीट हीरो की डूम यहाँ पे, और फ्रंट वाले जो इंडिकेटर इसके अंदर हमने लगा दिए हैं, हैजार्ड फ्लैशर तो इसमें ऐड ऑन हो गया है, साथ में इसमें इंडिकेटर बल्ब जो है वो भी ऐड ऑन हो चुके हैं, कनेक्शन हो चुके हैं देख सकते हैं आप। तो जो हमारे हैंड गार्ड रहने वाले LED वाले वो, और साथ में हमारे इंडिकेटर, ये सब साथ में वर्क कर रहे हैं देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, हमारी बाइक जाने के लिए रेडी हो चुकी है। बाइक की जो थीम रहने वाली है, कहीं ना कहीं वो स्पाइडरमैन से इंस्पायर है, देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे स्पाइडरमैन का मुंह आ रहा है। ये आइडिया किसका था गौरव, मुझे बता, तेरा या सर? ये उन भाई का लड़का है ना, हाँ, उनको स्पाइडरमैन पसंद था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जिन भैया की बाइक है उनके बेटे को पसंद है स्पाइडरमैन, इस वजह से भाई यहाँ पे स्पाइडरमैन का जो है यहाँ पे मुंह देखने मिल रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो भाई, ये तो वो लोग जो मेरे पास टी शर्ट भी है वाली सेम डिटो, ठीक है। तो फिलहाल अगर बात करें यहाँ पे काम की, तो स्टार्टिंग से ज्यादा को, तो भाई पहले नीचे का जितना ही बॉडी लाइन का जो पार्ट है ना, मतलब मेटल वाला पार्ट है, इंजन हो गया आपका, स्विंग आर्म हो गया, या शॉकर्स हो गए, या फिर आगे के फोक्स हो गए, या फिर व्हील हो गए, ये सारा का सारा जो है ना मैट जो है पेंट हुआ हुआ है, ठीक है। बाकी इसके अंदर हमने लेग गार्ड लगाया, जो कि काफी हैवी रहने वाला, सबसे मेन पता है क्या इसके अंदर दिखाने वाली चीज, कि भाई आरी का रहने वाला है, मतलब रॉयल एनफील्ड का रहने वाला है, बट हमने स्प्लेंडर में लगाया। ये हुआ कैसे कि मतलब जो इसकी फिटिंग आती है वो काट के नई फिटिंग बनाई स्प्लेंडर के हिसाब से, तो वो इसमें फिट हो गया है, काफी हैवी रहने वाला है। कितना वजन होगा कम से कम इसके अंदर? साढ़े तीन चार किलो सही है, मतलब बाइक गिरेगी ना तो इसमें कुछ होने वाला है ना बाइक में कुछ होने वाला है। बाकी मैं तो ये प्रे करता हूँ कि बाइक ना गिरे, बाकी आप ये लगवा सकते हो, अपने पास एक ऑप्शन ये वाला आ गया है, ठीक है। बाकी स्टॉक इसके इंडिकेटर रहने वाले हैं, स्टॉक इंडिकेटर को हमने कन्वर्ट किया है LED में, तो ये देख सकते हैं कहाँ बटन भाई, ये देखिए दोस्तों। तो इसके जो हेलोजन बल्ब थे वो निकाल कर हमने रिप्लेस कर दिए हैं 360 LED बल्ब से, देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया। इसको यहाँ से ऑन ऑफ करूँगा तो पैटर्न चेंज उतरेंगे, एज यू कैन सी, ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात है, जो जैसे इंडिकेटर वर्क कर रहा है सेम एज हमारा ये जो है हैंडगार्ड, ये भी वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ पे नाम आ जाते हैं बच्चों के, ठीक है जी, आरव नाम है, आरव, ठीक है भाई, तो आरव के नाम यहाँ पे आ गया है, इंडिकेटर यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे आपको, बहुत ही प्यारे यहाँ पे डुअल टोन जो है आपको मिलेंगे ग्रिप, बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाता है आपको यूनोमिंडा का, इसके अंदर पासिंग फैसिलिटी मिल जाती है, प्लस यहाँ से पार्किंग जो है ऑन ऑफ कर सकते हो आप, ठीक है जी। बाकी हैंडल बार इसमें लगाया ऑफ रोडिंग वाला, वही जो सेम खुशी में जो मैंने लगवा रखा है, तो वही हैंडल बार है, बाकी खुशी वाले सेम मिरर रहने वाले हैं। यहाँ पे चार्जिंग वाला 360 रोटेट होने वाला हमारा चार्जर रहने वाला है। अगर इधर इधर चलें तो यहाँ पर मेटल का HJG का जो है स्विच लगा हुआ है, जो कि मैं अपनी बाइक में यूज़ कर रहा हूँ, आपको बताइए, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ड्यूरेबल रहने वाला है और काफ़ी बढ़िया रहता है, मतलब कि पानी कितना डाल दो उसमें ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया अगेन इस साइड का, बाकी पीछे तरफ चलें तो भाई यहाँ पर जो है लेग गार्ड पे उल्लू लाइट दिखेगी देखने को, बहुत बढ़िया। इसका रिस्पांस कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे येलो लाइट आ जाती है मेरे यहाँ पे लेग्स पे, देख सकते हैं आप, ये आ गई वाइट,
ठीक है जी। अच्छा इसमें ब्लिंकर वगैरह नहीं है गौरव है, ठीक है, तो विदाउट ब्लिंकर है भाई ये, मतलब फ्लैश व्लैश कुछ नहीं करता, ठीक है जी। अगर बात करें पीछे की तो यहाँ पे कार्बन फिनिश में हमको सीट कवर देखने को मिलेगा, उसके अंदर हमको ग्रैब हैंडल मिलेगा ऊपर देखने को, और उसके नीचे जो है हमारे को मिलेगा इसका टेल प्रोटेक्टर जो कि मेटल का रहने वाला है, उससे क्या है टेल हमारी काफ़ी मजबूत हो जाती है, टूटती नहीं है, और उसी के ऊपर हमारा ग्रैब हैंडल। और अगर थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पूरा पार्ट जो हमने पेंट किया है, देख सकते हैं फिनिश आपके सामने। यहाँ पर रिम टेप भी लगाई है हमने डुअल टोन रेड एंड ब्लैक की जो रहने वाली है कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफिक किट लगाई है वो रेड एंड ब्लैक है, दैट्स वाई यहाँ पे भी रेड एंड ब्लैक का यूज़ करा गया है, देख सकते हैं आप। और बाकी पैनल किस लिए खुला हुआ है भाई, पैनल इसका भी लगाए थे हम, और बाकी इधर का पैनल मैं आपको चेक करा देता हूँ, मतलब टेप में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको देखने को। हमने यहाँ पर मोनोग्राम इसका निकाल कर टेप करी, उसके बाद यहाँ पे लगाया, बाकी ग्राफिक किट आ गई, तो फिनिशिंग आपके सामने। टैंक देख सकते हैं आप, टैंक इतना बड़े लग रहा है, तो मतलब जैसी बाइक यहाँ पर आई थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही है। बाकी भाई साहब से पूछ लेते हैं, भाई साहब कैसा काम हुआ है? बढ़िया भाई, बढ़िया काम हुआ है, मतलब काया परेड काम हुआ है नहीं हुआ? आपका बेटा जो है आ रहा है वो खुश हो जाएगा भाई देख के, हैं चलो सही है। बाकी चार्ज सही ले रहे हैं आपसे पैसे? चलो सही है भाई। तो भाई नागलोई से आए थे बाइक लेकर, तो जैसी बाइक आई थी वैसी तो नहीं जा रही, आई एम श्योर आपको पसंद आ रही होगी। बाकी पीछे का जो भाई बस लाइट जाने वाली भी, ये तो मैं दिखाई दे, और दिखाई देता हूँ आपको, लाइट चाबी ऑन कर लो, ये देखो दोस्तों, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये काम। बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी बाइक, जो बात है मतलब कि जैसी आई थी ना वैसी रही नहीं, अब जो बात है। दोस्तों इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, अच्छी लगी वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।